थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर, बिल्कुल सर आपकी मेहरबानी से मीटिंग हुई थी। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मुझे फरमाया कि ऑर्डर इज़ हाउस प्लीज, 20 से 25 करोड़ रुपए ऑर्डर इज़ हाउस प्लीज। मेरे बुजुर्ग हजरात से ख्वास है कि अपने अपनी सीटों पे तशरीफ रख लें। यस्टरडे राणा साहब, हाँ हमारे राणा साहब जो है ना सबसे बुजुर्ग तरीन हमारे पार्लियामेंटेरियन है ना, सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट, सॉरी मैं, अच्छा जी 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 प्लीज सर। यस्टरडे वी वर इन्फॉर्म्ड इन द कमेटी बाय द सेक्रेटरी कि हमें सिर्फ 10 मिलियन रुपए मिले जिसकी दवाई हमने इस्तेमाल की है, और उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 20 से 25 करोड़ हमने खर्च कर दिए हैं। मेरी गुजारिश होगी उनसे कि ये पैसे जो हुए हैं रिलीज वो उनको दे दिए जाए ताकि वो उसके सिलसिले में। चौधरी साहब आप सॉरी अमीर सुल्तान साहब आपने बात सुन ली नवाब, हाँ ऑनरेबल मेंबर की आपने बात सुन ली। अगर दोबारा रिपीट कर दें जी तो मैं जवाब देता हूँ जी प्लीज। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने इन्फॉर्म किया हमें इन द मीटिंग, द मिनिस्टर वाज आल्सो देयर एंड द ऑनरेबल एमएनएस वर आल्सो देयर, कि हमें अभी तक 1 करोड़ रुपया मिला है जो हमने दवाइयों पे इस्तेमाल किया है, और अभी ECC ने 4.5 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हैं जो हमें फाइनेंस को अभी तक रिलीज करने हैं। बराए मेहरबानी वो 25-26 करोड़ का तो हमें पता नहीं, लेकिन वो 4.5 करोड़ जो वो तो रिलीज करवा दें ताकि उसकी दवाई आ जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेड दवाई आती है जैसे ऑनरेबल मेंबर ने कहा मोहम्मद अमित सुल्तान साहब।